इस वक्त उम्मत पर बुरे हालात हैं। 57 मुल्क सारे, सिर्फ फलस्तीन नहीं, सिर्फ गजा नहीं, पूरी उम्मत बुरे हालात का शिकार है। बुरे हुक्मरान हैं, निकम्मे हुक्मरान हैं, बुज़्ज़िल हुक्मरान हैं, मौत से डरते हैं। मेरे नबी ने फरमाया था, एक दिन आएगा कि उम्मतें तुम्हें ऐसे तकसीम करेंगी जैसे खाना तकसीम किया जाता है। तो 300 साल से जिल्लत की चक्की में पिस रहे हैं, पिस रहे हैं, पिस रहे हैं, पिस रहे हैं, लेकिन ये हालात, मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत पे आखिरत में बड़ा अजाब नहीं है, मेरी उम्मत का अजाब दुनिया में ही हो जाएगा। कहा ये वो क्या है? कहा वो कत्ल है। इनका कत्ल होना इनके गुनाह की माफ़ी का ज़रिया बन जाएगा। अल्लाह दुश्मन के दिलों से तुम्हारा रोब निकाल देगा, अल्लाह दुश्मन के दिलों से तुम्हारा रोब निकाल। खालिद का नाम सुनकर रोम कांप उठता था, अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। आपने फरमाया दुनिया से प्यार करोगे और मौत से डरोगे, मौत को बुरा समझोगे, और जो अर्ज़ फ़लस्तीन है अल्लाह इसे ज़ाय नहीं करेगा। आपने कहा अर्ज़ुल मंशर वल माशर, ये वो ज़मीन है जहाँ पर हशर कायम होगा। कनाडा में एक नौजवान ख्वाब देख रहा है, रावण का पड़ा हुआ आलिम है, कि मैंने ख्वाब देखा कि गज़ा के शुहदा के बच्चे आसमान पर तैर रहे हैं और अल्लाह के नबी हर आने वाले बच्चे का इस्तकबाल फरमा रहे हैं। वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, वो बिश्ती चली गई, आसमान को हुक्म दिया तो वो बुलंद हो गया, रफा समा बग़ैर अमदिन तरौनहा, बादलों को हुक्म दिया तो देखो आज वो आसमान पे छाए हुए हैं, सर्दी बढ़ी हुई है लेकिन उसका अमर आया है आ जाओ। अलम तर अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, बारिश बरसाए या ना बरसाए ये बादल की ताकत नहीं, ये अल्लाह का अमर है। फयुसीब बिही मन यशा व यसरफ़ु अम्मन यशा, फिर लैल व नहार हैं, दिन और रात हैं, तो इसके पीछे भी मेरा अल्लाह कहता है युगशिल लैल व नहार, तेरा रब है जिसने दिन और रात को बनाया, इनको आगे पीछे चलाया। वजाल लैल व नहार, अल्लाह ताला ने रात और दिन को अपने ताकत अपनी कुदरत से पैदा फरमाया। नूरानी मखलूक हैं, उली अजनहतन मसला व सनासा व रुबा, फरिश्ते उनको भी अल्लाह ने बनाया। जन्नत जहन्नम, ये सारी कायनात अल्लाह ने बनाई है और इस पर अल्लाह का हुक्म चलता है। कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, लिल्लाहिल अम्र मिन क़ब्ल व मिन बाद। तो यहाँ जो भी हालात पेश आते हैं, अब सर्दी आई हुई है ये अल्लाह का अमर है, गर्मी आएगी वो अल्लाह का अमर है, रात आएगी वो अल्लाह का अमर है, दिन आएगा वो अल्लाह का अमर है, सर्दी है ये अल्लाह का अमर है, बादल छाए हुए हैं ये अल्लाह का अमर है, पत्ते गिर रहे हैं ये अल्लाह का अमर है, हमें ठंड लग रही है ये अल्लाह का अमर है। फिर इसको वो बदलता है तो हम ये कोट उतार और जर्सियाँ उतार और मलमल के कपड़ों में आ जाते हैं, ओ ये बड़ी गर्मी लग रही है, ये अल्लाह का अमर है। तो इस कायनात के पत्ते पत्ते पर अल्लाह की बादशाही है। ऐसे ही इंसानी जो हालात हैं उस पर भी अल्लाह की बादशाही है। वो तो इज़्ज़ो मन तशा, मैं जिसको चाहूँ इज़्ज़त दूँ, वो तो ज़िल्लो मन तशा, मैं जिसको चाहूँ जलील करूँ, यबसुतु रिज़्क लिमन यशा, मैं जिसको चाहूँ रिज़्क दे दूँ, व यक़दिर, मैं जिसका चाहूँ कम कर दूँ, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन, जिसको चाहूँ बीमार कर दूँ, और फिर जिसको चाहूँ शिफा दे दूँ, और जिसे चाहूँ तो शिफा के बग़ैर अपने पास बुला लूँ। हालात कायनात
زمین و آسمان، عرش و فرش، لوح و قلم، کرسی، جدر دیکھو گو للہ الامر من قبل و من بعد، ہر طرف اللہ کی بادشاہی ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدر نظریں دوڑاؤ گے اللہ کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے، ہر چیز میں اللہ کی ذات کی قدرت اور طاقت نظر آئے گی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا اس کائنات میں، تمہاری اپنی ذات میں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے، تم پکار اٹھو گے کہ وہ حق ذات ہے، قل ھو اللہ احد، اور وہ احد ہے، اکیلا، اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں ہے، تؤتی الملک من تشاء، اس کو بادشاہی دے دو، فرعون کو دے دو، 400 سال حکومت کرتا رہا فرعون کا خاندان، وتنزع الملک ممن تشاء، ان سے واپس لے لو، ان سے چھین لو، سارے فوجیں طاقتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور زیرو ہو جاتی ہیں، وتعز من تشاء، ان کو عزت دے دو، کوئی ذلت لا نہیں سکتا، وتذل من تشاء، انہیں ذلیل کر دو، کوئی ذلیل کر نہیں، کوئی ان کو عزت دے نہیں سکتا، اس سارے کارخانہ قدرت میں یہ لا الہ الا اللہ، یہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب پر لا کی تلوار ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہ جب اٹھاتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، وہ جب وہ گراتا ہے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، جب وہ مارتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، جب وہ بچاتا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، جب وہ شفا دیتا ہے تو کوئی اس کو بیمار نہیں کر سکتا، جب وہ بیمار کرتا ہے تو کوئی اس کو علاج نہیں کر سکتا، مجھے 5 سال ہو گئے میرے سر کا درد روزانہ ہو رہا ہے، ابھی بھی میں دوائی کھا کے آیا ہوں کہ میں جب بولتا ہوں تو میرا درد بڑھ جاتا ہے، ڈاکٹر عاجز ہیں، حکیم عاجز ہیں، ہومیوپیتھک عاجز ہیں، کیوں؟ ابھی اوپر والے کا حکم نہیں آیا، جب اس کا شفا کا حکم آتا ہے تو بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت تکلیف بھیجی ایوب علیہ السلام پر 18 برس، اور جب شفا دینا چاہی تو ارکد برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، ایک پر چشمے، ایک پر مارا جبرائیل نے تو پانی کا چشمہ نکلا، کہ اس میں نہاؤ، نہا کے نکلے تو 18 سال کی بیماری غائب ہوگی، ایسے غائب ہوگی جیسے تھی ہی نہیں، ایوب علیہ السلام کی اہلیہ گئی ہوئی تھیں باہر کسی کام، جب وہ واپس آئیں تو دیکھا ایک نوجوان خوبصورت بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہے بیٹا آپ نے یہاں کسی بوڑھے بیمار کو دیکھا ہے جو یہاں تھا؟ تو وہ ہنس پڑے، کہا بیگم وہ میں ہی ہوں، مجھے اللہ نے جوان کر دیا، مجھے اللہ نے صحت دے دی، مجھے اللہ نے زندگی دے دی، اللہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اسے کرنے کے لیے عجیب بات ہے، مجھے کرنے بیان کرنے کے لیے گاؤں سے آنا پڑا، اور میرا سر بھی بھاری تھا اس لیے میں گولی کھا کے آیا، موسم بھی خراب تھا، اللہ کو کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، سبحان اللہ، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، میں کسی کو دیتا ہوں تو پہلے میں زمین سے کماتا ہوں، پھر اپنی جیب میں ڈالتا ہوں، پھر وہاں سے نکال کے دیتا ہوں جو بھی سائل آتے ہیں، اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اسے مارنے کے لیے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام تک تو بڑھاپا تھا ہی نہیں، نہ بیماری نہ بڑھاپا،
سب اول من شاب ابراہیم, پہلے شخص جو بیمار ہوئے ابراہیم علیہ السلام تھے, ان کے سفید بال آیا. کہا یا اللہ یہ کیا ہے, ما ہذا, کیونکہ کسی کا سفید بال تھا ہی نہیں, چاہے کوئی 200 سال زندہ رہتا تک کالے بال جوان. تو اللہ نے کہا ہذا وقار, یہ وقار ہے, عزت ہے. کہ اللہم زدنی وقارا, یا اللہ میرے وقار کو زیادہ فرما. تو میری اس تمہید کا مقصد تھا کہ اس کائنات میں جو حالات بنتے ہیں وہ بھی میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ. اس وقت امت پر برے حالات ہیں, 57 ملک سارے, صرف فلسطین نہیں, صرف غزہ نہیں, پوری امت برے حالات کا شکار ہے. برے حکمران ہیں, نکمے حکمران ہیں, بزدل حکمران ہیں, موت سے ڈرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتھا, ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے. تو کسی نے پوچھا او من قلت نحن یوم ذن یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم ان دنوں میں تھوڑے ہوں گے. آپ نے کہا لا بل انتم یوم ذن کثیر, تم بہت زیادہ ہوگے. ولکنکم غثاء, ان کا غثاء السیل, تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے, جھاگ. اور جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے, حالانکہ پورے پانی کے اوپر چھائی ہوتی ہے. جب پانی طوفان بن کے چلتا ہے تو اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے, گھاس لکڑیاں سب کچھ, ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے پانی کے سامنے. تم ایسے ہو گئے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے, جدھر پانی چاہے گا تمہیں اٹھا کے پھینک دے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحْنَ وَلَيَنْزِعَنَّ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُحَابَةَ مِنْكُمْ, اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا, اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال. خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا, فارس کانپ اٹھتا تھا, خالد بن ولید کا نام ایک ہیبت بن گیا تھا. اور یہاں ہندوستان میں ملک مظفر رحمت اللہ علیہ شہید علاء الدین خلجی کے سپہ سالار تھے, اور 5 دفعہ تاتاریوں کو شکست دی انہوں نے, اور 5ویں جنگ میں خود شہید ہوئے. تو کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا تو وہ کہتا تھا ملک مظفر کو دیکھ لیا ہے, اور بچہ سوتا نہیں تھا تاتاری کا تو ماں اسے کہتی بلاؤں ملک مظفر کو, بلاؤں ملک مظفر کو. یہ تمہارے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو, صحابہ کی تاریخ نہیں بتا رہا, 400 سال پہلے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہیبت ڈالی تھی مسلمانوں کی, اللہ وہ روب تمہارا نکال دے گا. اور روب نکال کر ان کے دلوں سے تمہارا روب نکلے گا, اور تمہارے دلوں میں کیا پڑے گا, وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحْنَ, اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے, موت کو برا سمجھو گے. تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے. سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کے. دنیا و کراہیت الموت, دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے, موت کو برا سمجھو گے. تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے. سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کے. اور کچھ 300 سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں, پس رہے ہیں, پس رہے ہیں, پس رہے ہیں, لیکن یہ حالات, میرے نبی نے فرمایا
میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ کہا یہ وہ کیا ہے؟ کہا وہ قتل ہے۔ ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب جنگ احد میں شکست کی صورت بنی تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ اولو حبل، حبل کی حبل زندہ باد، اولو حبل جسے ہم کہتے ہیں حبل زندہ باد۔ تو اللہ کے نبی کو کہنے لگا، محمد ہے احد پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے، عمر ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، علی ہے، تو آپ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا، تو سارے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ تو وہ کہنے لگا آج ہم نے سب کو مٹا دیا، تو حضرت عمر چپ نہ رہ سکے، کہنے لگے تیرا بیڑا غرق کو، ہم سب زندہ ہیں، سب تیری باتیں سن رہے ہیں۔ کہنے لگا کل تمہاری جیت تھی، آج ہماری جیت ہے۔ کہا بالکل نہیں، آج بھی ہماری جیت ہے، ہمارے قتل ہوئے جنت میں گئے، تمہارے قتل ہوئے جہنم میں گئے۔ تو عجباً لامر المومن، مسلمان کے لیے بڑی حیران کن بات ہے، میرے نبی نے کہا ان اصابتہ السراء فشکر فلہ الجنہ، اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے، وان اصابتہ الضراء اسے اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتا ہے، مصیبت آتی ہے، فصبر یہ صبر کرتا ہے، فلہ الجنہ تو اسے جنت ملتی ہے۔ تو اس وقت امت پر جو حالات ہیں یہ صبر کے حالات چل رہے ہیں، اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ صرف ارض فلسطین میں پہلی اللہ کی جو رحمت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر بنایا، اول بیت وضع للناس فرشتوں کے ذریعے، وہ بیت اللہ تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا گھر جو دنیا میں بنایا وہ مسجد اقصی تھی، یہ بھی فرشتوں نے بنائی تھی۔ پھر 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین میں تشریف لائے، وہیں دفن ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں دوبارہ واپس آئے، حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت زکریا علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت مریم علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے۔ کتنا بڑا معجزہ جو اللہ نے ظاہر فرمایا انسانیت کا کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا علیہ السلام فلسطین میں۔ اذ تمثل لہا بشرا سویہ، جبریل آئے بڑے خوبصورت انسان کی شکل میں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی ہے۔ انما انا رسول ربک، مریم میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لے احب لک غلاما زکیہ، اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا وہ کیسے؟ ولم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیہ، اور میں فاحشہ عورت نہیں۔ کہ شادی ہونے کے دو راستے ہیں، حلال راستہ نکاح ہے، حرام راستہ زنا ہے، ایک میرا ہوا نہیں، دوسرا میں کر نہیں سکتی تو کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک هو علی هین ولنجعله آیة للناس ورحمة منا وکان امرا مقضیا، مسئلہ کوئی نہیں، اللہ ابھی کر دے گا، اللہ ابھی کر دے گا۔ تو وہ آگے بڑھے تو مریم علیہ السلام پیچھے ہٹیں، اور ڈرتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئے، اب آگے تو کوئی پیچھے جانے کی چیز نہیں تھی۔ تو جبریل کہنے لگے لا تخافی لا تخافی، ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں، اور ان کو یہاں سے پکڑا، یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، کرتے کو یہاں سے پکڑا اور دور کر کے ایسے
फूंक मारी, यहाँ फूंक मारी, इधर फूंक मारी, इधर 9 महीने का हमल पेट में तैयार हो गया। फहमलत हो, उसी वक्त हमल हो गया। फा फंतबदत बिही मकानन कसिया, फिर फा का लफ्ज है, उसी वक्त एक दूर जगह पर गई। फा फिर फा है, अजाह अल मखाद इला जिज़ नखला, भाग के एक खुश्क खजूर के तने के साथ टेक लगाई और ईसा अलैहि सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए, आप पैदा हो गए। कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुंतु नस्यं मंसिया, हाय मैं मर जाती और फिर मैं भुला दी जाती और फिर मेरा भूलना भी भुला दिया जाता। قال لا تخافي ولا تحزني وقري عينا, पहले आकर के वहुजी इले के बजिज नखला तो साकित अलै के रुतबन जनिया, ये खजूर को ज़रा हिला, उन्होंने उस तने को हिलाया ना तो ऊपर कोई पत्ता नहीं था, टुंड मुंड, तो ताज़ा खजूरें गिरने लगीं सामने। कहने के मरियम देख, इस पर ना कोई शाख है ना कोई पत्ता है और अल्लाह ताज़ा खजूरें दे रहा है, ऐसे ही तुझे बग़ैर शादी के अल्लाह ने बेटा दे दिया। फ़कुली वशरबी वक़र्री आइना, खा पी आँखें ठंडी कर और बच्चों को ले जा गांव शहर में। तो फ़ैम्मा तरयन मिन अलबशर अहदा, और जब तक तुझे कोई सामने नज़र आए तो तुमने कहना है इन्नी नवफ़ल रहमान सौमा फ़लन उकल्लम अल्यौम इंसिया, चुप का रोज़ा भी रखते थे बनी इसराइल, फिर सारा दिन खामोश रहना है, बोलना नहीं है। फ़अतत बही क़ौमहा तहमिलुहू, अब बच्चे को लेकर आई शहर में। क़ालू या मरियम लक़द जीत शैअन फ़रिया, अरे मरियम ये मुँह क्या काला किया, मा कान अबू के मरा असो व मा कान तुम्मो के बगिया, न तेरा बा या उख्त हारून, तीन तरह से ताना दिया, या उख्त हारून ए हारून की बहन, पहले भाई का ताना दिया, तेरा भाई तो बड़ा नेक था तूने क्या किया। मा कान अबू के मरा असो, तेरा बाप तो बड़ा नेक था ये तूने क्या किया। व मा कान तुम्मो के बगिया, तेरी माँ तो बहुत अनेक थी तूने ये क्या किया। तीन तरफ से ताने दिए, भाई की तरफ से, बाप की तरफ से, माँ की तरफ से। फाशारत इलैह, उन्होंने पहले यूं किया फिर यूं किया। कैफा नुकल्लम मन कान फिल महदी सबिया, इससे कैसे बात करें ये तो बच्चा है। क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम की तकरीर शुरू हो गई। इतना बड़ा मौजज़ा अर्ज़ फ़लस्तीन में अल्लाह ने ज़ाहिर फरमाया और अर्ज़ फ़लस्तीन से ही ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठाया, यहीं से ऊपर उठाया आसमानों की तरफ। और मेरे नबी का जो मेराज हुआ वो भी अर्ज़ फ़लस्तीन से हुआ। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, बाबरकत ज़ात जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गया अपने बंदे को। अल्लज़ी बारकना हौलहू, इस खित्ते को अल्लाह ने बाबरकत फरमाया, किसी खित्ते को बाबरकत नहीं फरमाया, इस फ़लस्तीन के खित्ते को अल्लाह ताला ने बाबरकत फरमाया। हज़रत मैमूना ने पूछा या रसूलल्लाह मल कुद्स, ये जो कुद्स है इसकी कोई हकीकत तो बतलाएं। आपने कहा अर्दुल मंशर वल माशर, ये वो ज़मीन है जहाँ पर हशर कायम होगा, ये वो ज़मीन है जहाँ पर हशर कायम होगा, और यहाँ ये वो ज़मीन है। ये तो अब मैं अपनी तरफ से अगली बात बता रहा हूँ फ़लस्तीन की। आखिरी जो मारका होगा दज्जाल का और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फ़लस्तीन में हो, तो लिद के मकाम पर ईसा अलैहिस्सलाम और उसका उनका मुकाबला होगा। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह एक मौजज़ा देगा, उनका सांस जिसे भी लगेगा जिस काफिर को वो मर जाएगा, पिघल जाएगा। और आपका सांस कहाँ तक जाएगा, मैं तो सांस लेता हूँ तो ये माइक तक आ रहा है, आप भी लोगे तो यहीं तक आएगा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक उनका सांस जाएगा और जिस चीज़ को लगेगा वो मरता जाएगा। तो अल्लाह इस सरजमीन को ज़ाया नहीं करेगा। ये इन मैं थोड़ा आपके हौसला अफजाई के लिए, चूँकि हर तरफ क़यामत की बातें हो रही, क़यामत आ गई, क़यामत आ गई, क़यामत आ गई, क़यामत अली दूर है, अड़ी नेड़े कोई नहीं है,
हाले थोड़ा देर है, सानू तो नहीं वेखनी, हम दी फिक्र ना करो, क्योंकि क्यामत से पहले एक हवा चलेगी जिससे सारे अहले ईमान मर जाएंगे, एक कलमा गो मुसलमान दुनिया पे जिंदा नहीं बचेगा, सिर्फ गैर मुस्लिम होंगे, एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं होगा। और क्यामत से 30 साल पहले, क्यामत से 30 साल पहले बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे कि किसी बच्चे पर क्यामत नहीं आएगी। यौमा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ातिन अम्मा अर्ज़त, वो हौलनाकी बताने के लिए तशबीह है, वो ये नहीं कि ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि बच्चा तो काफिर का भी हो वो मासूम है, मुसलमान का भी हो तो वो मासूम है, इसलिए आपने कहा कि सारे जो नाबालिग मरते हैं वो जिस मज़हब के भी हैं सब जन्नत में जाएंगे, क्योंकि उन पर तो भी शरीयत लागू ही नहीं हुई है, और सारे बच्चे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाते हैं। तो हदीस पाक में आता है जितने अहले ईमान के बच्चे बालिग होने से पहले, पैदा होने से लेकर 15 साल से पहले तक जब फौत हो जाते हैं, सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास होते हैं, सारी नस्ल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, और वो उनके बाप होते हैं, और उनके साथ वो अपनी वहाँ की जन्नत के मज़े लेते हैं, पता नहीं क्या लेते हैं, मैं तो कोई नहीं पता। बस आपने अपने बेटे के बारे में फरमाया हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम, चूँकि वो अभी माँ का दूध पीते थे, उनका इंतकाल हो गया, तो आपने फरमाया अल्लाह ताला ने जन्नत में एक हूर को मुकरर कर लिया है इब्राहीम को दूध पिलाने के लिए, सुभान, और किसी बच्चे के बारे में ऐसी बात नहीं है। तो डराने वाली गल कोई नहीं, साडू ते क़यामत नहीं होंदी, 30 साल पहले बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे, क़यामत 30 और 30 से ऊपर की उम्र के लोगों पर होगी, और वो जानवरों की तरह होंगे, सड़कों पे जिना करेंगे, और हर इंसानी जो अखलाक हैं उनसे वो खाली हो जाएंगे, उनसे वो खाली हो जाएंगे। ये उम्मत के ऊपर इम्तिहान है। हमारा एक साथी है वहाँ कनाडा में, उससे मुझे ख्वाब सुनाया कि मैंने देखा कि गज़ा के जितने शहदा के बच्चे हैं वो आसमान पे तैर रहे हैं, और अल्लाह के नबी हर आने वाले का इस्तकबाल फरमा रहे हैं। तो हमें देखने में तो बड़ा जुल्म नज़र आ है, जुल्म है भी सही, लेकिन हमारी तो मौज है, वो तो सारे जन्नत में गए, जितने बड़े शहीद हुए वो भी जन्नती, औरतें शहीद हुई वो भी जन्नती, मर्द शहीद हुए वो भी जन्नती, और बच्चों का तो मैंने कनाडा में एक नौजवान ख्वाब देख रहा है, रावण का पड़ा हुआ आलिम है, कि मैंने ख्वाब देखा कि गज़ा के शहदा के बच्चे आसमान पर तैर रहे हैं, और अल्लाह के नबी हर आने वाले बच्चे का इस्तकबाल फरमा रहे हैं। लोड़ी साड़ी तो मौज हो गई, हमें देखने में मौत नज़र आती है, हकीकत में देखो एक होता है कामयाब होना और एक होता है फतह पाना, एक होता है नाकाम होना और एक होता है शिकस्त खाना, ये दो अलग चीज़ें हैं। कामयाबी अलग चीज़ है, फतह अलग चीज़ है, नाकामी अलग चीज़ है, शिकस्त अलग चीज़ है। करबला के मैदान में सबसे मुकद्दस खून बहाया गया, सबसे पाकीज़ा खून बहाया गया, और उन सबको शिकस्त हो गई, और वो सारे गर्दनें कटवा के नेज़ों पे चढ़ गए, लेकिन वो नाकाम नहीं हैं, वो कामयाब हैं, उन्हें शिकस्त हुई है, उन्हें नाकामी नहीं हुई, वो कामयाब हैं। और शिमर का लश्कर वो फतह पाया है, वो कामयाब नहीं है, उन्होंने फतह पाई, कामयाब नहीं है। इब्ने ज़ियाद की गर्दन कट के जब लाई गई मुसब बिन उमैर के सामने,
जैसे हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन कटी हुई इब्ने ज़ियाद के सामने रखी गई तो वो ऐसे मुंह पे छड़ियां मार कर कहने लगा, मैंने ऐसा खूबसूरत चेहरा आज तक नहीं देखा जो मरने के बाद भी इतना चमकता। कटी हुई इब्ने ज़ियाद के सामने रखी गई तो वो ऐसे मुंह पे छड़ियां मार कर कहने लगा, मैंने ऐसा खूबसूरत चेहरा आज तक नहीं देखा जो मरने के बाद भी इतना चमकता हुआ तरोताज़ा हो। तो हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर रोते हुए फरमाया कि ज़ालिम ये छड़ी यहाँ से हटा ले, मैंने इन होंठों पे अल्लाह के नबी के होंठों को लगते हुए देखा हुआ। तो कहने लगा तू बूढ़ा हो गया वरना तेरा भी सर उड़ा देता मैं। तो जब अल्लाह ताला इंतकाम लेने पर आए और इब्ने ज़ियाद को कत्ल किया गया और उसकी कटी हुई गर्दन आई हज़रत मुसअब बिन उमैर के सामने, तो एकदम मजमे में हलचल मची, जात जात, वो आया वो आया वो आया। क्या देखा? एक छोटा सा सांप, इतना इंतहाई तेज़, वो तेज़ी से आया और उसकी नाक में दाखिल हुआ और मुंह से निकल गया, फिर उसकी नाक में दाखिल हुआ और मुंह से निकल गया, फिर उसकी नाक में दाखिल हुआ, फिर उसके मुंह से निकल के फिर गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज़ आई, जा वो आया वो आया वो आया। तो देखा वो भी सांप फिर आ रहा है और आकर उसकी नाक में दाखिल हुआ और फिर निकला नहीं, अंदर ही गायब हो गया। फतह पाई इब्ने ज़ियाद ने लेकिन नाकाम हो गया। शिकस्त खाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों ने लेकिन वो कामयाब हो गए। जंग से पहले आपको ऊँग आ गई तो आँख खुली तो आप हंसने लगे। हज़रत ज़ैनब ने पूछा ये कोई हंसने का मौका है, क्यों हंसे हो? कहा ख्वाब में अल्लाह के नबी मिले हैं, कह रहे बेटा मैं तुम्हें लेने के लिए आ चुका हूँ। तो देखने में शिकस्त हुई है लेकिन वो कामयाब हैं। अमर बिन साद को फतह हुई है तो नाकाम है। अमर बिन साद की कटी गर्दन भी मुख्तार के सामने रखी गई। अल्लाह ताला ने एक को जिंदा नहीं छोड़ा, जितने भी कातलीन हुसैन थे सब कत्ल हुए। हजरत उस्मान के कातिल सब तबई मौत नहीं मरे, सब जिल्लत की मौत मरे। तो भाइयों ये इम्तिहान की जगह है, अल्लाह अपने नबी की उम्मत के गुनाहों को धोने के लिए ऐसे हालात लाता है। सब आपने फरमाया जितना मुझे डराया गया इतना किसी को नहीं डराया गया। तो मैं बता रहा था अर्ज़ फ़लस्तीन ये दूसरी मस्जिद जो ज़मीन पे बनी 40 साल के बाद वो मस्जिद अक्सा है। 4000 नबियों के बाप और मेरे नबी के दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस सरजमीन में तशरीफ़ लाए, वहीं आराम फरमा रहे हैं। इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये वो नबी हैं जिनका कुरान में ज़िक्र है। इसके अलावा भी सैकड़ों नबी हैं जिनके नाम ना तारीख़ में हैं ना कुरान में हैं, जो उस सरजमीन के अंदर हैं। ये माशर की सरजमीन है, ये नबियों की सरजमीन है। मेरे नबी ने फरमाया अर्जुल मंशर वल माशर, ये माशर की सरजमीन है, वो दोबारा ज़मीन से बाहर निकलने की सरजमीन है। और पहला बड़ा मारका रूम और सहाबा के दरमियान हुआ था फ़लस्तीन में अजनादीन के मकाम पर, जो आज रमला कहलाता है, रमला। रमला के करीब ये रोम की तादाद 90,000 थी और सहाबा की तादाद 30,000 थी। और खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो लश्कर के अमीर थे, उस वक्त वो इराक़ में थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पता चला कि जो 18 दिन का था और एक रास्ता था जिससे लोग आते जाते थे वो 2 महीने का था, तो हज़रत खालिद ने फरमाया मैं इस सहरा को पार करूँगा। लोगों ने कहा हम भूख से मर जाएंगे, प्यास से मर जाएंगे। कहा जिस लश्कर में राफ़े इब्ने उमैरा हो वो लश्कर हलाक नहीं हो सकता।
आए उस शाक गए वादा फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरा के रुख ज़ेबा लेकर। आए थे कुछ लोग जो अल्लाह को राजी करके दोस्ती लगा के दिखा गए, कब अपनी आंखों से ढूंढ चरा के रुख ज़ेबा, तुम्हें नजर कोई नहीं आएंगे, मर्द नजर आएंगे, इंसान कोई नहीं नजर आएगा, औरतें नजर आएंगी, इंसान कोई नहीं नजर आएगा। तो फरमाया जिस लश्कर में राफे हो वो लश्कर हलाक नहीं हो सकता। इन्हीं फरमाया हमारे पास पानी का बड़ा जखीरा है, हम हलाक नहीं होंगे, नहीं, हमारे पास राफे है। और वो शख्स है कि जो कहेगा अल्लाह करेगा। अठारह दिन में उसको पार किया और एक मकाम पर आकर पानी खत्म हो गया, तीन दिन बगैर पानी के गुजारे। तो साहबा ने कहा कि अब हम मरते हैं, ताकत नहीं है, कहा राफे को बुलाओ। राफे की आंखें खराब थी, फरमाने लगे राफे पानी चाहिए। कहने लगे अच्छा मुझे बताओ कहाँ हैं हम, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने फरमाया कि फलां जगह। अब सहरा में तो कोई निशान मंजिल होता ही नहीं, तो कोई उन्होंने झाड़ियाँ बताई। कहने लगे कुछ झाड़ियाँ देखो एक तरफ कट्ठी हों, कट्ठी झाड़ियों का कोई झुंड हो मुझे बताओ है। उन्होंने कहा हाँ वो नज़र आ रहा है, कहा मुझे वहाँ ले चलो। वहाँ ले गए, एक जगह इशारा किया, कहा यहाँ से ज़मीन खोदो। ज़मीन खोदी तो पानी का चश्मा निकल के बाहर आ गया। कभी हम भी तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अल्लाह ने तो बेवफाई की नहीं, हमने बेवफाई की। उसकी मदद जो रुकी हुई, ये भी उसकी मदद है। हमारा शहीद जन्नत में जा रहा है, अगर जिंदा है, जख्मी है, भूखा है, गुना माफ हो रहे हैं। जहन्नम की आग से एक सुई का नक्का आम आदमी वेख ही नहीं सकता, ते धागा नहीं पा सकता, जिस दिन की नज़र कमज़ोर होवे, इतना छोटा होता है। मेरे नबी फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सुई के नक्के के बराबर अगर जहन्नम की दीवार में सुराख हो जाए तो उसमें से जो आग की चिंगारी निकलेगी पूरी दुनिया को कोयला बना देगी। उसके सामने ये तकलीफ तो बड़ी थोड़ी है, लेकिन बात असल ये है कि हमने अल्लाह से दोस्ती छोड़ ली। यहूदियों को गालियां बाद में दो, पहले अपने हम अपने गरीबान। तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सद चाक बुलबुल की, तो अपने पैर हन के चाक तो पहले रफू कर ले। कितना झूठ बोला जा रहा है, कितने झूठे मुकदमे हैं, कितनी वालदेन की नाफरमानी है, कितने घरेलू नाचाकियां हैं, कितना सूद चल रहा है, कितना शराब के ठेके चल रहे हैं, कितने लोग नमाजें छोड़ चुके हैं। सर्व हुक्मरानों को मैं क्या गिला दूं, आज हम सारे इस हमाम में नंगे हैं। तो ये अल्लाह की रहमत है, अगर किसी को अल्लाह ने इस उम्मत को अगर दुनिया में वो झटके देता है। हाँ मुझे एक आयत भी याद आ गई, दोनों के हाल बताता हूँ। एक है जिन्होंने अल्लाह को नहीं माना, तो अल्लाह कहता है ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिम अल-अमल फसौफ यालमून। मेरे महबूब करण दे इन्हां नूं मौज मेला, चार दिहाड़े हैं इन्हां मौज मेला करण दे, करण दे इन्हां नूं, मेरे कोल आवण दे, बोल वेखी मैं की करना। ठीक हो गई, हमारे बारे में क्या कहा, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजऊन। मैं तुम्हें दुनिया में छोटे छोटे अजाब दूंगा, बड़ा अजाब नहीं दूंगा आखरत का। ये गज़ा की जो तबाही है ये छोटा अजाब है, ये छोटी तकलीफ है।
دون العذاب الاکبر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر یسل النار الکبری, اور عذاب اکبر نار کبری جہنم ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا, بڑا عذاب نہیں دوں گا, تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ. اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں نے چھٹی دے دی. جو بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے غیر حاضری ہوتی ہے, جو پڑھتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے. اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے, گلی کا بچہ کوئی کچھ کرے تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا کر رہا ہے. یہ امت میرے اللہ کی لاڈلی امت, اس وجہ سے نہیں کہ اسی کوئی بڑے حاجی پارسا ہیں, اپنے حبیب کی وجہ سے, اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لاڈلی امت ہے. اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے, ہمیں کیوں چھوڑا ہوا ہے. گنبد والے کے لیے درود پڑھو جس کی دعائیں اور آنسو, ایک رات آپ رو رو کے کہہ رہے تھے یا اللہ ابراہیم نے کہا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. یا اللہ تیری مرضی عذاب دے, تیری مرضی تو معاف کر. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی, اس کا بھی یہی مضمون ہے کہ یا اللہ تیری مرضی ان کو پکڑ, تیری مرضی ان کو چھوڑ, لیکن میں یہ کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں, امتی 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 امتی. تو جبریل آ گئے, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں. رب اللہ, اللہ نو نہیں پتا بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں, سانو گل اپناونی آئی. تو فرمایا جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا. تو جبریل پھر واپس گئے, پھر آئے, یا رسول اللہ, اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں. تو بھائیو, اس وقت کرنے کا کام گالیاں دینا نہیں ہے کافروں کو, اس وقت کرنے کا کام ہے ہم توبہ کریں, ہر اس بڑے گناہ سے توبہ کریں جس سے اللہ نے روکا ہے, اللہ کے نبی نے روکا ہے. جو کبیرہ گناہ ہیں, کوئی ہزاروں نہیں ہیں, چند ہیں, چند ہیں کبیرہ گناہ, ان سے توبہ کریں, نماز کی پابندی کریں, اور اپنی زندگی میں سچ بولیں, جھوٹ نہ بولیں, کسی پر الزام نہ لگائیں, کسی پر جھوٹے مقدمے نہ کریں. یا اپنی انگلیاں آپس سے لڑائیں جو ہوتی ہیں نا, اپنی انگل توڑ کے تو ڈاکٹر کو بنوا کے سرٹیفکیٹ جھوٹے مقدمے دائر کر دیتے ہیں. بھائی, ایک اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے جہاں یہ سب کچھ پیش ہوگا. تو ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو امت محمد کامیاب ہے ہر حال میں. ایمان پہ مرنا شرط ہے, ایمان پہ مر جاوے, کوئی جی چگل نہ بچ جاوے کہ ایمان کھس جاوے, ایمان پہ مر جاوے. تو پھر انشاءاللہ رحمت ہی رحمت ہے, کرم. کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, ایک گل میری سن لو, میں شرک معاف نہیں کرتا. قرآن دی سب تو غصے والی آیت, جس سے چلا پورے قرآن جس سے چلا سب تو زیادہ غصے بولے آئے, وہ ہے وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے, اتنی فضول بات کرتے ہو, پتہ ہے تمہاری اس بات کا کیا اثر ہوتا ہے. تقاد السماوات يتفطرن منه, آسمان پرزے پرزے ہونے لگتا ہے, وتنشق الارض, اور زمین پھٹنے لگتی ہے, وتخر الجبال حدا, اور پہاڑ ریت بننے لگتے ہیں, ان دعوا للرحمن ولدا, جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا,
और उस ذات की शान ही नहीं कि किसी को अपना बेटा बनाए। इस आयत में अल्लाह पूरे कुरान में सबसे ज़्यादा गुस्से में है, इसको अगज़ब आयतन फिल कुरान कहते हैं, कुरान की सबसे गुस्से वाली आयत है। तो अल्लाह ने कहा ए तो मैं माफ़ करना नहीं, बाकी लो अतैतनी ला तुशरिक बी शैआ या अब्दी लो जीतनी बिकुराबिल अर्द खताया ثم لا تشرك بي شيئا لأتيتك بها مغفرة। मेरा बंदा तू मेरे पास इतने गुनाह लेकर आ के पूरी धरती भरी हुई हो तेरे गुनाहों से, लेकिन तू शिर्क से पाक हो तो जितने तेरे गुनाह हैं उतनी तेरी नेकियां दे दूं, उतनी तुझे नेकियां दे दूं। तो भाई हम तौबा करें, इस्तगफार करें, आपस में सुलह करें, किसी से लड़े हुए हो तो सुलह सफाई कर लो, और किसी का हक मारा हो है तो उसको दे दो। कोई गलत झूठे किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं, मुख्तसर बात है, दो नफल पढ़ के तौबा कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद, अल्लाह हर हाल में इस उम्मत का मददगार है। दुख दे रहा है तो भी मददगार है, सुख दे रहा है तो भी मददगार है। मैंने तो अपने बेटे की तकलीफ में महसूस किया, जवान बेटे का गम कोई आसान नहीं है, जवान बेटे की मैयत को उठाना और कब्र में उतारना, लेकिन मुझे इसमें भी अल्लाह की रहमत नज़र आई और मैं उस पर इतना शुक्र करता हूँ कि अल्लाह शुक्र है, शुक्र है। तो हर हाल में अल्लाह की हम पर रहमत है, किसकी तुफैल? मेरे आपके अमलों की तुफैल नहीं, वो कमली वाले की तुफैल, वो मोहम्मद व अहमद व माही व हद। मैं उस पर इतना शुक्र करता हूँ कि अल्लाह शुक्र है, शुक्र है। तो हर हाल में अल्लाह की हम पर रहमत है, किसकी तुफैल? मेरे आपके अमलों की तुफैल नहीं, वो कमली वाले की तुफैल, वो मोहम्मद व अहमद व माही व हाशिर व आकिब और फातह और खातिम व ताहा व यासीन व अव्वल व आखिर, उसकी तुफैल है। उसकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बनाओ और अल्लाह की बारगाह में जब कभी कोई ख़ता हो दो नफल पढ़ के माफ़ी मांगो, अल्लाह माफ़ कर देगा। नियत करते सारे तौबा की नियत करते हो तो कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। मेरे रब की कसम जिसने दिल से कहा है उसके सब माफ होंगे। सर देखो अल्लाह ताला, इसमें कोई शक नहीं, हुकूकुल इबाद की जो अदालत है बड़ी सख्त है, उसमें अल्लाह कहेगा तो कुल माफ़ी मांग फिर मैं भी माफ़ करूँगा, लेकिन अल्लाह पाबंद नहीं है कि हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह जिसके चाहे माफ़ कर दे, ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा। वो कहता है यग़फिर लिमन यशा, शिर्क माफ़ नहीं करूँगा, बाकी जिसे चाहूँ माफ़ कर लूँ। कुरान की आयत तो सुनो कि मैं शिर्क माफ़ नहीं करूँगा, बाकी जिसे चाहूँ माफ़ कर दूँ। तो अल्लाह की रहमत को पाबंद नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ने एक जगह पाबंद की अपनी रहमत, मैं शिर्क माफ़ नहीं करूँगा, इसके बाद ये नहीं कहना चाहिए अल्लाह हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा। हाँ भाई हुकूकुल इबाद की अदालत बड़ी सख्त है, ये ठीक है, लेकिन अल्लाह जिसको चाहे माफ़ कर दे। बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक आदमी ने 99 कत्ल किए, उन ख्याल आया मैं तौबा करा, वो किसी सूफी साहब को चला गया कि हजरत जी मैं 99 कत्ल किए, कोई मेरी माफ़ी हो सके? तौबा तौबा, तेरी माफ़ी कितों हो सकती? उस आखिर मुझे 99 चंगा नहीं लगता, 100 पूरे करा, चल तू भी जा। उसको भी कत्ल कर दिया, फिर उसको ख्याल आया मैं माफ़ी मांगूँ, तो आलिम के पास गया, इल्मु बाज करे फ़कीरी काफिर मरे दीवाना हो। वो एक आलिम के पास गया, हजरत मैंने 100 कत्ल किए, मेरी तौबा है? कब? बिल्कुल है, तौबा को कौन रोक सकता है, लेकिन सोहबत बदलनी पड़ेगी। जो तबलीग में कहते हैं ना चिल्ला लगाओ, ये सोहबत बदलने के लिए, सोहबत बदलनी पड़ेगी, चिल्ला लगाओ आज की ज़ुबान में, कुछ चिल्ला लगाओ, ये चलो 3 दिन हर महीने लगाओ। क्या तू ये बस्ती छोड़ दे? ओ नेक लोगों का शहर है, वहाँ जाके बस जा,
तेरी तौबा पक्की हो जाएगी, माफ हो जाएगा। उन्होंने कहा जी मैं तैयार। वो आना अपना घर छोड़ा और चल पड़ा, रास्ते में मौत आ गई। अरे थोड़ा जा गया है धड़ाम डट्ठा, जब उसे देखा मुझे मौत आ रही तो उसने जंप लगाया, तो जंप लगाया तो इस तरह गिरा, इस तरह दोनों हाथ आगे थे और पूरा बदन आगे की तरफ। अल्लाह ने अदा पसंद आ गई या की पसंद है अल्लाह ने पता। अल्लाह ताला ने जन्नत का फरिश्ता भी भेज दिया, दोजा का भी भेज दिया, भला अल्लाह ने नहीं पता मैं की फैसला करना है, लेकिन हमें सुनाने के लिए ये सारा कुछ अल्लाह ने किया। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे साड़ा मेहमान है तौबा कर गया। दोजा के फरिश्ते कहने लगे हाली उत्थे अपड़िया नहीं, जिथे जाके तौबा पक्की होनी है, असं साड़ा कह दिए असं हाथ कड़ी पावनी है। वो आखन असी फुलों के हार पावने, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। उन्हें फरिश्तों का झगड़ा हो गया, अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाके इनमें फैसला करो, जहाँ इसकी लाश पड़ी है इधर भी फासला नापो उधर भी फासला नापो, अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो जन्नत वाले ले जाओ, और अगर वो घर के करीब है तो दोजख वाले ले जाओ। और हकीकत में वो घर के करीब था, नेक लोगों की बस्ती से दूर था। धरती रब दी अल्लाह ने ऐस पास वाली जमीन आख्या नेड़े हो जा सुकड़ जा, वो सुकड़ गई। इधर वाली जमीन से कहा फैल जा, वो ऐसे फैल गई। जब उन्होंने पैमाइश की तो उधर करीब हो गया, घर से दूर हो गया, अल्लाह ने आके जन्नत दे दी। जिसको चाहे माफ कर, अल्लाह की रहमत को पाबंद नहीं करना चाहिए। अल्लाह हुकूकुल इबाद माफ नहीं करेगा, ऐसा मत कहो। हाँ, हुकूकुल इबाद की अदालत बहुत सख्त है, इसमें कोई शक नहीं। तो भाइयों, किसी का हक लेके न मरो। तुम्हारा हक किसी पर है तो तुम्हें मिल जाएगा आखरत। तो सारे भाइयों ने नियत कर ली ना पक्की तौबा, चलो सुनते पढ़ो।